नमस्कार दोस्तों, आज हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, यानी ये जल्दी ठीक होने वाला बीमारी नहीं होता है। ये बहुत क्रॉनिक बीमारी है। ये एक एक्जिमेटस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो चलिए इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी जो इन्फेक्शन होता है हमारा स्किन में, ये नॉर्मली एक फंगस होता है जिसका नाम है मालेसिजिया फंगस। ये मालेसिजिया फंगस के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन कुछ दिन रहने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने से आपका स्किन में छोटा छोटा दाना निकलते हैं और आपका फ्लेक्स होता है यानी स्केल निकलता है, बहुत सारा पापड़ी निकलता है स्किन में और आपका खुजली होने लगता है, इरिटेशन, बर्निंग, ये सारे सिम्टम्स रहता है। ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ये बच्चों से लेके बूढ़े तक किसी भी एज ग्रुप में होता है, लेकिन दो एज ग्रुप में वो ज़्यादा पाया जाता है। एक होता है इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी एक साल के अंदर के बच्चे को होता है, जिसको हम क्रैडल कैप भी बोलते हैं। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप इसको देख सकते हैं। और एक होता है एडल्ट सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो नॉर्मली यंग अडल्ट में होता है। और ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस का और एक माइल्डर यानी सबसे कम सीवियर वाला एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पिट्रियसिस कार्पिटिस यानी जो नॉर्मल आप बोलते हैं डैंड्रफ। सर में जो डैंड्रफ होता है वो भी एक टाइप का सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो इसको पिट्रियसिस कार्पिटिस बोलते हैं और ये सबसे माइल्ड फॉर्म यानी सबसे कम सीवियर फॉर्म होता है। तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहाँ होता है, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये नॉर्मली जहाँ पे हमारा सेबेसिस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि आपका फेस में होता है, फेस में ज़्यादातर आपका नोज के साइड में, आपका कान के पीछे में और आपका ये हेयर लाइन में ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे बहुत सारा चमड़ी निकलता रहता है, स्केल निकलता रहता है, पापड़ी निकलता रहता है और ये देखने में बहुत भद्दा लगता है, खराब लगता है। और फेस के साथ साथ तो स्काल्प पे हो सकता है, आपका चेस्ट में हो सकता है और पीठ में हो सकता है। ये जो एरिया में ज़्यादा हेयर है और जहाँ पे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है यानी किन लोगों को ज़्यादा होता है, मेल को ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। और एक होता है इम्यूनो सप्रेशन, जिन लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कोई HIV हो गया, लिम्फोमा यानी कोई ब्लड कैंसर हो गया, कोई दूसरा कैंसर हो गया, और कोई अगर इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन खा रहा है, कैंसर वाला दवाई खा रहा है, उनको होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि आपका पार्किंसन डिजीज हो गया, डिमेंशिया हो गया यानी जिसमें आपका मेमोरी लॉस होता है, उस केसेस में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। किसका अगर ज़्यादा स्ट्रेस है उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलता है। और एक जेनेटिक होता है यानी फैमिलियल होता है, अगर किसी का फैमिली में किसी का पापा मम्मी को है तो उन बच्चों को ज़्यादा होता है। और एक विटामिन B6 डिफिशियंसी और जिंक डिफिशियंसी में भी ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज़्यादा मिला है। और जिन लोग का डिप्रेशन है वहाँ पर भी ज़्यादा देखा गया है। और एक होता है आपका मेडिकेशन यानी कुछ दवाई खाने के बाद साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये हो सकता है। और एक होता है क्लाइमेट यानी जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर यानी ठंडे के सीजन में आपका डैंड्रफ ज़्यादा होता है और आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी ज़्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं ये एग्जैक्टली क्यों होता है, इस तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है जिसमें बोला जाता है कि ये एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन टू मालेसिजिया फंगस यानी आपका जो मालेसिजिया फंगस होता है उसको अगर आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, अगर एबनॉर्मली एक्सेस रिएक्ट करता है तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लामेशन के बाद आपका ये दाना निकलता है। दाना में क्या होता है, छोटा छोटा दाना हो सकता है, बड़ा दाना हो सकता है, आपका स्केल यानी पापड़ी निकल सकता है। और ये जो स्केल होता है आपका ग्रीजी येलो और ग्रीजी स्केल होता है यानी पीला रंग का स्केल होता है, पापड़ी होता है और एकदम चिपका हुआ रहता है, जैसे क्रैडल कैप में बच्चे में देख रहे हैं ऐसे फोटो में, इसे चिपका हुआ स्केल रहता है। पहले हमने बता दिया कहाँ कहाँ होता है, जैसे स्काल्प में होता है, फेस में होता है, चेस्ट में होता है, बैक में होता है, इसके साथ साथ आपका आईब्रोज में होता है, नाक के साइड में और कान के पीछे, इसको सेबोरिक एरिया बोलते हैं और ये साइड में ज़्यादा ये होता है। कभी कभी आपका लोअर पार्ट प्राइवेट पार्ट में जहाँ पे हेयर रहता है वहाँ भी हो सकता है, बगल में हो सकता है, जहाँ पे आपका ज़्यादा हेयर है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका क्लिनिकल फीचर के बारे में यानी लक्षण के बारे में, क्या होता है इस बीमारी में, क्या तकलीफ होता है। इसमें बड़ा प्रॉब्लम आपका देखने में खराब लगता है क्योंकि आपको हमेशा स्किन में रैशेस रहता है रेड कलर का। इसके साथ साथ आपका दाना रहने के बाद आपको खुजली होता है, बर्निंग यानी इरिटेशन होता है, जलन होता है और खुजली बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पेशेंट परेशान हो जाता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है यानी देखने से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन होता है क्योंकि और एक दो बीमारी है जो देखने में एक जैसा लगता है। फर्स्ट क्या होता है, सेबो सूर्यसिस यानी सूर्यसिस नामक जो बीमारी है, कभी अगर वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ कंबाइन रहता है तो इसको सेबो सूर्यसिस बोलते हैं, ये भी हो सकता है।
और एक होता है आपका गटेड सूर्यसिस, यानी छोटा छोटा सूर्यसिस का दाना अगर रहता है, सूर्यसिस का जो एक वेराइटी है वो भी कभी कभी कन्फ्यूज होता है इसके साथ। और एक होता है ड्रग रिएक्शन, कभी कभी दवाई खाने के बाद भी आपका अगर छोटा मोटा ऐसा रैसेस निकलता है वो भी आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा दिख सकता है। और है अगर किसी का सडन अनसेट यानी एकदम तुरंत आपका ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस शुरू हो गया, तो डॉक्टर को माइंड में लेना चाहिए कि इसका कोई इम्यूनो सप्रेशन कंडीशन हो सकती है, कोई इसका इम्यूनिटी बहुत तुरंत डाउन हो रहा है, हो सकता है उसका बॉडी में कोई कैंसर हो, कोई नहीं तो आपको HIV हो, नहीं तो और कोई सीरियस बीमारी हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन इसका जांच करना जरूरी है। तो चलिए लास्ट में जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जैसे हमने बोला कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटी फंगल दवाई आता है, जैसे कि आपका क्रीम, लोशन, शैम्पू ये सब आता है। क्या होता है एंटी फंगल दवाई? फर्स्ट होता है कीटोकोनाजल, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, कीटोकोनाजल शैम्पू, लोशन, क्रीम और आपका बॉडी वॉश भी आता है, ये यूज किया जाता है, इससे आपका काफ़ी हद तक ये सिम्टम्स कंट्रोल हो जाता है। और एक होता है आपका साइक्लोपायरेक शैम्पू और आपका लुलिकोनाजल शैम्पू और आपका बहुत सारा क्रीम जैसे क्लोटिमाजल, लुलिकोनाजल, इबरकोनाजल, ये सारे एंटी फंगल क्रीम यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपका सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू यूज होता है, जिंक पायरेथन शैम्पू यूज होता है। और अगर किसी का शैम्पू, लोशन, क्रीम ये वगैरह से ठीक नहीं होता है तो खाने के लिए ओरल एंटी फंगल दिया जाता है, जिसमें फ्लुकोनाजल, इट्राकोनाजल, कीटोकोनाजल का टैबलेट आता है। और ये जब भी आप लेते हैं, आपका आसपास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे पूछ लीजिए, कंसल्ट करिए क्या डोज में खाना है, कितना डोज में खाना है, वो आपको हेल्प करेंगे। कभी कभार आपका जो इन्फ्लामेशन इसको कंट्रोल करने के लिए आपका लगाने के लिए स्टीरॉयड का क्रीम भी दिया जाता है, लगाने के लिए स्टीरॉयड का लोशन भी मिलता है, शैम्पू भी मिलता है। और ज़्यादा सीवियर केसेस में आपको खाने के लिए भी लो डोज में स्टीरॉयड दिया जा सकता है और स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दे सकते हैं। अगर आपका दवाई से ये ठीक हो जाता है, आपका रिकरेंस यानी बाद में जैसे ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका ये जो शैम्पू, एंटीफंगल शैम्पू जिसमें कीटोकोनाजल, कोल्टार, सैलिसिलिक एसिड ये सब रहता है, इसको रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा, वीकली इसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका शैम्पू का जो झाग होता है बॉडी में देख के इसको 5 मिनट रख के धोना पड़ेगा और एंटीफंगल बॉडी वॉश या साबुन रेगुलर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये था डिटेल्स में सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको इससे वीडियो अच्छा लगता है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। अभी विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद।